दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और पिछले 15 साल में इन्होंने दिल्ली को 3 बड़े-बड़े कूड़े के ऐसे पहाड़ दिए हैं। अभी हम गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ पे खड़े हैं, इतनी बदबू आ रही है, आप लोग देख रहे हैं। यहाँ से आसपास कई किलोमीटर तक जो लोग रह रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि उनका क्या हाल होगा। और केवल ये कूड़े के पहाड़ नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर गली गली में चले जाओ, आप सड़कों के ऊपर चले जाओ, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है। तो 15 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को 3 बड़े-बड़े कूड़े के पहाड़ दिए और गली गली के अंदर पूरी दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया इन लोगों ने। दिल्ली के लोगों ने इनको एक ही काम दिया था, दिल्ली की सफाई का, और इतना बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने कि दिल्ली के अंदर जीना मुश्किल हो गया है। और इनको खुद शर्म आ रही है अपने काम पे, इनको खुद शर्म आ रही है। अभी मुझे पता चला रस्ते के अंदर जब मैं आ रहा था, ये यहाँ मेरे को आने का विरोध कर रहे थे कि केजरीवाल कूड़े का पहाड़ देखने में, भाई तुम्हारा 15 साल का ये काम है, मैं देखने जा रहा हूँ क्या। 5 साल में हमने दिल्ली के स्कूल अच्छे कर दिए, आप आओ देखने, हम आपका विरोध नहीं करेंगे। आप हमारे स्कूल देखने आओ, आप हमारे अस्पताल देखने आओ, आप हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखने आओ, हमें तो शर्म नहीं आती। तुम लोगों को शर्म आती है अपना काम दिखाने के लिए? 15 साल में तुम लोगों ने क्या काम किया? मुझे पता चला है इसके पहले भी, पिछले हफ्ते भी कुछ लोग देखने के लिए, पुलिस को इस्तेमाल करके भगा दिया लोगों को, पुलिस लगा दी कूड़े के पहाड़ के चारों तरफ की, इसकी रक्षा करने के लिए, कूड़े के पहाड़ की रक्षा करने के लिए। तुम्हें अपना काम जो तुमने, तो ये जो तुमने 15 साल में किया उसको दिखाने में तुम्हें इतनी शर्म आ रही है? ये कूड़े का पहाड़ नहीं है, ये इनके कुकर्मों का पहाड़ है, ये इनके भ्रष्टाचार का पहाड़ है जो इन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ छलावा किया है। मैं आज चैलेंज करना चाहता हूँ बीजेपी को, मैं चैलेंज करता हूँ इनके सबसे बड़े नेताओं को, चैलेंज करता हूँ 15 साल में एक काम बता दे इन्होंने, एक काम, कोई एक काम, एक काम जो एमसीडी वालों ने 15 साल में किया हो, एक काम नहीं बता सकते ये, कोई एक काम किया हो। और दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, हम लोगों ने 5 साल में कितने काम किए ये मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है। अपने अपने माइक लेके दिल्ली की सड़कों पे चले जाना, दिल्ली की सड़कों में पूछ लेना, किसी से पकड़ के पूछ लेना कि केजरीवाल ने क्या काम किया, वो बता देगा। स्कूल अच्छे किए जी, अस्पताल अच्छे किए जी, बिजली मुफ्त कर दीजिए, पानी की सुविधा कर दीजिए, सड़कें बनवा दी, कोई भी आदमी बता देगा कि इन हम लोगों ने क्या काम किए। ये एक ही चीज का रोना रोते हैं, केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया, केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया, केजरीवाल ने पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, 24 घंटे पैसा रे, हाय रे, पैसा रे, पैसा, 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 ये केवल यही करते रहते हैं और कुछ नहीं। 15 साल में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए नगर निगम ने, 2 लाख करोड़ रुपए, सारा बजट उठा के देख लो, मैं भी कैलकुलेट करके आया हूँ। 15 साल में 2 लाख करोड़ रुपए बीजेपी ने खर्च किए, कहाँ गए सारे पैसे? 2 लाख करोड़ रुपए कहाँ गए सारे? ये दिल्ली के लोगों का पैसा था, दिल्ली के लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स में पैसा भरा था, खून पसीने की कमाई करके अपने बच्चों का पेट काट के लोगों ने इनको, एमसीडी वालों को पैसा दिया था। अब जीएसटी का पैसा भर रहे हैं लोग, दूध पे, दही पे, रोटी पे, सब्जी पे, चावल पे, हर चीज पे जीएसटी लगा दी, जीएसटी का पैसा। 2 लाख करोड़ रुपए खा गए ये लोग सारे के सारे। उस 2 लाख करोड़ रुपए में से 1 लाख करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने दिया था, कहां गया सारा पैसा, कहां गया सारा पैसा? और इनके केंद्र सरकार के मंत्री आते हैं बड़े बड़े, मैं देख रहा था, दिल्ली में आते हैं, कहते हैं केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया। तुमने कितना पैसा दिया 15 साल में? केंद्र सरकार ने एक नया पैसा नहीं दिया नगर निगम को, पूरे देश में सारे नगर निगमों को पैसा देती है केंद्र सरकार, दिल्ली नगर निगम को एक पैसा नहीं दिया। बस दिल्ली में आते हैं इनके बड़े बड़े मंत्री और केजरीवाल को गालियां देके चले जाते हैं, केजरीवाल को गालियां देके चले जाते हैं। मैं दिल्ली की माँ बहनों से पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे बेटे ने तुम लोगों के बच्चों के अच्छे स्कूल बनवाए, ये मंत्री आके मेरे को तुम्हारे बेटे को गाली देके जा रहे हैं, बर्दाश्त करोगे तुम लोग? दिल्ली के बुजुर्गों से, दिल्ली की माताओं से पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे लिए तीर्थ यात्रा का श्रवण कुमार बन के, तुम्हारे बेटे ने तुमको तीर्थ यात्रा भेजा, अब ये तुम्हारे श्रवण कुमार को, तुम्हारे बेटे को गालियां देके जा रहे हैं, बर्दाश्त करोगे तुम लोग? तुम्हारे बेटे को गालियां दे रहे हैं? इस बार बदला लेना है, इस बार का चुनाव केवल कूड़े के ऊपर होगा, कूड़ा सफाई, दिल्ली की सफाई के ऊपर ये चुनाव होगा। अब इन्होंने प्लान बनाया है, 16 कूड़े के पहाड़ और बनाएंगे,
क्योंकि ये तो बहुत ऊंचा हो गया, अब इसके ऊपर और कूड़ा डाल नहीं सकते, बता रहे अनस्टेबल हो गया, तो दिल्ली का जो सारा कूड़ा है अब इसके ऊपर तो डल नहीं सकता। अब 16 जगह इन लोगों ने चिन्हित करी है जहां पे 16 कूड़े के पहाड़ और बनेंगे, तो इसका मतलब वहां पे भी आसपास के लोगों की जिंदगी हराम हो जाएगी, 24 घंटे बदबू आया करेगी, मच्छर मक्खी पैदा होंगे, लोगों को कैंसर होगा, पूरी दिल्ली को अब ये कूड़ा घर बनाने, पूरी दिल्ली में 16 कूड़े के पहाड़ इन्होंने चिन्हित किए हैं। मैं खासकर बीजेपी के जो वहां पे मेरे को प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ, तुम मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहते हो करो, मैं तुमको बुरा नहीं मानूंगा, मैं इस बात का मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट करने से कुछ मिलता हो करो, लेकिन ये सोच लेना तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल तो मैं ही बनवाऊंगा, स्कूल तो तुम्हारे बच्चों के केजरीवाल ही बनवाएगा, तुम्हारी बिजली भी मुफ्त में ही करूंगा, तुम्हारे लिए अस्पताल का, जब तुम्हारे घर में कोई बीमार हो जाएगा ना बीजेपी वाले के भी घर में, तुम्हारे दवा दारू का इंतजाम मैं ही करूंगा, तुम्हारा इलाज भी मैं ही कराऊंगा, ये बीजेपी वाले तो कुछ नहीं कराने वाले। तो मैं सारे दिल्ली के बीजेपी के सपोर्टर्स को खास तौर से आज अपील करना चाहता हूँ, एक बार अपनी पार्टी भूल जाना इस बार दिल्ली की सफाई के लिए। आपने देख लिया 15 साल तो कम नहीं होते, 15 साल आप लोगों ने देख लिया, बीजेपी वालों ने भी देख लिया, इन्होंने क्या हाल कर दिया दिल्ली का, एक बार मेरे ऊपर भरोसा करके देख लो, इस बार अपनी पार्टी को भूल जाओ, इस बार मेरे को वोट दे देना, और फिर देख लेना अगर 5 साल में मैं दिल्ली साफ नहीं कर दूं तो अगली बार वोट मत देना। सर, आप स्कूल बोलने की बात की है, आप पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं ऐसे समय में जब गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, कौन सा पॉलिटिकल स्टंट? यही जो नोट के पीछे जो आप कह रहे हैं कि मैं वो कर लें, हमने कब मना किया, वो भी कर लें, अगर उनको लगता है कि ये कहने से वोट मिलते हैं तो ये लागू कर दे, उनकी तो सरकार है केंद्र में, लागू करके वोट ले लें वो। सर, आज रामवीर दूड़ी जा रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक देखने, सर रामवीर दूड़ी बहुत स्वागत है उनका, उनको सबको जाना चाहिए, इनके सारे नेताओं को हमारे स्कूल भी देखने चाहिए, हमारे अस्पताल भी देखने चाहिए, हमारे मोहल्ला क्लिनिक भी देखने चाहिए। ये बड़ी दुख की बात है कि इतनी गंदी राजनीति पे ये लोग उतर आए हैं, दिल्ली के अंदर बहुत जगह जगह हम लोगों ने दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य के लिए योगा क्लासेस शुरू की, एक मिनट बात तो पूरी कर लेना, हमने दिल्ली के लोगों के लिए योगा क्लासेस शुरू की, 17,000 लोग उन योगा क्लासेस के अंदर अटेंड कर रहे हैं, 17,000 लोग डेली सुबह शाम योगा करते हैं और उनके स्वास्थ्य को लाभ हो रहा है, इनमें से 10-11 हजार लोग ऐसे हैं जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जिनके लंग्स में प्रॉब्लम रह गई और वो अस्थमा है, किसी को कुछ है, उन वो योगा क्लासेस में प्राणायाम करके उनको स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। इन्होंने दिल्ली की योगा क्लासेस बंद करा दी, 1 नवंबर से इन्होंने अफसरों के ऊपर दबाव डाल के अफसरों को सस्पेंड कर देंगे, ये कर देंगे, धमकियां दी इन्होंने और योगा क्लासेस बंद करा दी इन्होंने। पर मैं दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ, किसी भी हालत में केजरीवाल को किसी हद तक जाना पड़े, केजरीवाल को कुछ भी करना पड़े, तुम्हारी योगा क्लासेस बंद नहीं होने दूंगा, मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ। ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन जब तक केजरीवाल जिंदा है तब तक तुम्हारा बेटा जो है दिल्ली को तबाह नहीं होने देगा। सर, गृह मंत्री अमित शाह ने आप पे बड़े सारे आरोप लगाए थे पिछले हफ्ते जब वो आए थे ओखला लैंडफिल। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, उन्होंने मेरे को इतनी गालियां दी, उनकी सरकार ने दिल्ली नगर निगम को कितने पैसे दिए, 50 पैसे, 100 रुपए, 1 रुपया, 2 रुपया, 1 नया पैसा नहीं दिया उन्होंने, 1 नया पैसा नहीं दिया। किस मुंह से आके वो दिल्ली में गालियां देते हैं, दिल्ली के लोगों को गालियां देते हैं, आते हैं और दिल्ली के लोगों को गालियां देके चले जाते हैं, दिल्ली के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले तुम्हारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहते हैं दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, अरे यूनियन टेरिटरी है तो ज्यादा पैसा मिलना चाहिए ना दिल्ली को, 1 नया पैसा नहीं दिया इन्होंने दिल्ली नगर निगम को।